हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके सामने मेकअप वीडियो लेकर आई हूँ वो महिमा चौधरी से इंस्पायर्ड मेकअप वीडियो है जो उन्होंने परदेस मूवी में ली है। कहते हैं ना, इंडियन ब्यूटी वो जो सबको बहुत पसंद होती है, उनकी जो वो इंडियन ब्यूटी है परदेस मूवी में वो बहुत ही उभर कर आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि इंडियन ब्यूटी सबको बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मेकअप। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन। मैं अपनी स्किन को, कोई भी मेकअप करने से पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, तो इसीलिए मैं मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़ के करने के बाद मैं अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए प्राइमर यूज़ करती हूँ। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जब भी आप फाउंडेशन अपनी स्किन पर अप्लाई करें उससे पहले अपनी स्किन को स्मूथ ज़रूर कीजिएगा प्राइमर से। मैंने जो यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है वो कलर बार का प्राइमर यूज़ किया है। ये मेरी स्किन के पोर्स को अच्छे से फिल करता है। और अब मैं लैक्मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, महिमा चौधरी का जो मेकअप लुक है वो बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर कंसीलर और ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं बहुत सिंपल सा मेकअप करूँगी। मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। ताकि मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा पैची ना लगे, अब मैं एक सेटिंग पाउडर की हेल्प से अपना मेकअप सेट कर रही हूँ। और जो मैंने यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज़ किया है वो फेसिस कैनेडा का है। मैं ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा एक्सेस भी निकाल दिया है मैंने। अब मैं जो यहाँ पर अपनी ब्राउज़ को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मिलाओ का जेल आईलाइनर। और मैं बहुत ही लाइट सी ब्राउज़ फिल करूँगी ताकि मेरी ब्राउज़ बहुत नेचुरल दिखाई दे। अब मैंने जो वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट यूज़ की है उसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड पिक किया है। फ्रेंड्स, मैं इसे पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। अब मैं कॉन्टोर के लिए सिवाना की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी नोज़ की कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरी नोज़ शार्प दिखाई दे। अब मैं कॉन्टोर अपने चिक बोन और जो लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट से पीच कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा ब्लश है बहुत ही नेचुरल लुक दे। अब मैं काजल लगा रही हूँ। मैंने जो यहाँ पर काजल यूज़ किया है वो लोटस का काजल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, महिमा चौधरी ने जो गंगा के रूप में जो काजल लगाया है वो बहुत ही लाइट सा काजल है, इसीलिए मैं काजल बहुत लाइट सा लगा रही हूँ। लाइनर के लिए मैं लैक्मी का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लैक्मी 925 यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का शेड यूज़ किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये शेड बहुत ही प्यारा है। फ्रेंड्स, मैं मस्कारा भूल गई थी, तो मैं मस्कारा लगाने से पहले मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो मस्कारा यहाँ पर यूज़ किया है वो मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है।
फ्रेंड्स, मैंने कोई यहाँ पर फॉल्स लैशेस नहीं यूज़ किए क्योंकि मुझे अपना लुक बहुत ही सिंपल दिखाना था। एक गंगा की तरह सूट डाल लिया है और अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी। जो महिमा चौधरी का जो हेयर स्टाइल है वो फ्रंट कट है उनका और उन्होंने चोटी बनाई है और मैं भी अब वैसे ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने चोटी बना ली है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं महिमा चौधरी की तरह लुक ले सकूं। आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा ये लुक बहुत पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में किस लुक में देखना चाहते हैं।